नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उज्जैन से आ रही बड़ी खबर के साथ। उज्जैन में डबल मर्डर का खुलासा हो गया है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी, दो दिन पहले ही मर्डर हुआ था। पिपलौदा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां इस पूरे मामले में जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या हुई थी, डबल मर्डर से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। आरोपी ने जिस मंशा से हत्या की है उसके बारे में अब पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को और दो दिन पहले ही ये डबल मर्डर हुआ था। पुलिस की सतर्कता और पुलिस के इस ऑपरेशन को सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का कनेक्शन किससे है, आरोपी की मंशा क्या थी और कितने लोग इसमें शामिल थे, इन तमाम चीजों पर अब जांच पड़ताल जारी है। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी आपके पास, इस मामले में क्या खुलासा हुआ है? ये देखिए, पुलिस ने जो है पूरे मामले का खुलासा किया है और गांव के ही दो युवक थे जिन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इसमें चार लोग शामिल हैं। अभी फिलहाल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे अभी पूछताछ की जा रही है पूरे मामले में। मेन बात यह है कि जिस जो बीड़ी के पीते थे उस दो बीड़ी के जो है साक्ष माते मिले थे और पीछे की खिड़की तोड़ के अंदर घुसे थे और इनने कई बार प्रयास भी किया रेकी की थी वहां पे कि इस घटना को कैसे अंजाम देना है। पर जिस तरीके से और वो सिर्फ सामान चुराने के इरादे से आए थे, लेकिन जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है इस लेकर पुलिस ने गांव के ही दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें अभी बहुत सारे साक्ष्य जो है जुटाना बाकी है, कोर्ट से परमिशन के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल ने दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, दो लोग अभी की ओर गिरफ्तारी की बात पुलिस कह रही थी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अजय। तो उज्जैन में डबल मर्डर का खुलासा हुआ है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की है, पति और पत्नी की हत्या हुई थी। बीजेपी के नेता है जिनकी हत्या हुई थी और पुलिस ने ऑपरेशन चलाया गिरफ्तार करने के लिए आरोपियों को। इस ऑपरेशन को सफलता हाथ लगी है और आखिरकार जाकर जो है गिरफ्तार कर ही लिया गया आरोपी को। अब आरोपी से जानने की कोशिश होगी कि आखिर उसकी मंशा क्या थी इस मर्डर के पीछे की और कितने लोग इसमें शामिल थे। और अब बात बुरहानपुर की होगी, जहां आदिवासियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कलेक्टर ऑफिस में लोकगीत गाकर प्रदर्शन किया, अपने साथी को जिला बदर करने का विरोध वो कर रहे थे। अंतराम आवासे को प्रशासन ने जिला बदर किया है। वनों की कटाई मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की थी, जिसके बाद आप देखिए काफी अनोखा प्रदर्शन आप देखेंगे। आज तक आपने इससे पहले ऐसा प्रदर्शन तो नहीं देखा होगा। आपको सुनाते हैं किस तरीके से लोकगीत गाते हुए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फीस एकदम से बढ़ गई, पहले 4,300 थी, अब 6,700 कर दी गई है। 2,200 रुपए एकदम से बढ़ा दिए गए और ऊपर से हमें सिर्फ दो दिन का टाइम दिया कि एग्जाम फीस भरो। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एकदम से इतनी फीस बढ़ सके, या तो हमारी फीस कम कर दो अभी। और क्या बोलते हैं कि और वो क्या बोलते हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेज में भी ये नहीं है और ऊपर से वो लाडली बहना बेटी बचाओ ने बेटी पढ़ाओ ने ऐसे कोई है तो हम क्या करें फिर है। एक तरफ तो बोलते हैं बेटी बचाओ, एक तरफ हमारी फीस बढ़ा तो कहाँ से पढ़ेगी बेटी फिर।
तो आदिवासियों का ये अनोखा प्रदर्शन जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, आदिवासियों का ये जो प्रदर्शन है वो कुछ मांगों को लेकर है। खासतौर पर आदिवासियों का ये प्रदर्शन जो सामने आया है वो इनके ही बिरादरी के लोगों को लेकर है जिन्हें जिला बदर किया गया है। और लोकगीत के माध्यम से बुरहानपुर में आदिवासियों ने ये प्रदर्शन किया है, अपने साथी को जिला बदर करने का वो विरोध कर रहे हैं। संवाददाता साथ जुड़ गए हैं गणेश कुमार। गणेश, क्या अभी भी ये प्रदर्शन जारी है और इनकी मांगों को लेकर अभी कुछ कहा गया प्रशासन की तरफ से? पूर्व जंगल कटाई और वन संपदा को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जिला कलेक्टर भव्य मित्तल द्वारा आदिवासी जागरूकता आदिवासी संगठन के अंतराम आवासीय को जो है वो जिला बदर किया गया था, जिसके बाद में यहाँ का नेपानगर क्षेत्र का आदिवासी संगठन जागरूकता आदिवासी संगठन के बड़ी संख्या में महिला पुरुष जो है वो जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया। इस दौरान उन्होंने स्पीकर लाके जो है वो लोकगीत गाए, लेकिन यहाँ पर पुलिस बल जो है काफी तैनात हो गया था, जिसके डर की वजह से जो है कहीं कानूनी कार्रवाई हो तो आदिवासी संगठन के लोग जो है वो यहाँ से वापस चले गए। पुलिस ने उन्हें कहा कि आपने अनुचित तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जताया है और धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है, प्रतिबंधित स्पीकर को यहाँ पर बजाया जा रहा है, जिसकी वजह से भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात हुआ और आदिवासी संगठन के लोग जो है वो यहाँ से वापस लौट गए। अंशिका, बिल्कुल, लेकिन लगातार उनकी मांग हो रही है इनके साथी को लेकर जिसे जिला बदर किया गया है ये कार्रवाई। कितने की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, खासतौर पर महिलाओं को मैं देख सकती हूँ तस्वीरों में और वीडियोस जो सामने आए हैं, महिलाएं काफी भारी संख्या में पहुंची हुई हैं यहाँ पर। जी, काफी तादाद में यहाँ पर आदिवासी संगठन के लोग यहाँ पर तैनात थे। महिलाएं भी अपना कामकाज छोड़कर यहाँ पर आई हुई थी, वो 40 किलोमीटर दूर से यहाँ पर सभी लोग पहुंचे थे। हालांकि उनकी जो कार्रवाई, उनका जो विरोध प्रदर्शन था वो अनुचित तरीके से था, उन्होंने किसी तरह से यहाँ पर अनुमति नहीं ली थी और आदिवासी संगठन का जो अंतराम आवासीय है उस पर मुकदमे चल रहे हैं, जंगल कटाई को लेकर आरोप उसके ऊपर लगे हुए हैं। इसी के तहत जिला प्रशासन ने उसके खिलाफ में जिला बदर की कार्रवाई की थी ताकि वन संपदा जो है वो सुरक्षित रह सके। अंशिका, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए गणेश। मकरंद देउस्कर बने बीएसएफ आईजी, 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर उन्हें भेजा गया है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर थे मकरंद देउस्कर और अब उन्हें क्या बीएसएफ का आईजी बना दिया गया है। मकरंद देउस्कर बीएसएफ के आईजी बने हैं, 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर अब भेजा गया है। इससे पहले इंदौर के पुलिस कमिश्नर थे मकरंद देउस्कर, तस्वीर आपको दिखा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जबलपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम ने सरकारी कार्यक्रमों के दौरान डिंडौरी से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया। सीएम ने कांग्रेस विधायक से कहा कि कहां गलत पटरी पर बैठे हुए हो, मेरे साथ आओ। आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री का बयान। डिंडौरी के विधायक ओमकार सिंह जी कहां है, मरकाम जी कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए, जोरदार अभिनंदन ओमकार सिंह जी का। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह जी कहाँ है, मरकाम जी कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए, जोरदार अभिनंदन ओमकार सिंह जी का। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऑफर पर ओमकार मरकाम का बयान आ गया है। मरकाम ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आप प्रदेश के विकास में काम करिए, इस तरह से आप दिमाग मत चलाइए, आप प्रदेश के विकास में काम करिए। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आप प्रदेश के विकास में काम करिए, इस तरह से आप दिमाग मत चलाइए, आप प्रदेश के विकास में काम करिए। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आप प्रदेश के विकास में काम करिए, इस तरह से आप दिमाग मत चलाइए, आप प्रदेश के विकास में काम करिए। एमपी में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। गांव चलो अभियान के बीच ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी की जीत हो गई है।
चार जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में 3 पर बीजेपी जीती है। सीहोर में महेंद्र इंजीनियर, जबलपुर में महेंद्र बरबड़े, खंडवा में पिंकी वांगखेड़े ने बड़े मतों से जीत हासिल की है। 3 जिला पंचायत में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्षों के विधानसभा चुनाव लड़ने के चलते 4 सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से इस पर जब चुनाव हुए तो इसमें भी बीजेपी का डंका दिखाई दिया, बीजेपी की बंपर जीत। भोपाल में जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया। नितिन गडकरी के दौरे पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो जो भी सड़कें बनाते हैं बगैर टोल टैक्स के नहीं बनाते, हर चीज टोल से, उसका नाम है नितिन गडकरी। तो इधर सरकार जीएसटी से केंद्र का बजट बनाती है, जो आम आदमी के जेब से पैसा जाता है। पहले इनकम टैक्स देता था उद्योगपति, जो इनकम होती थी वो देता था। अब सरकार को अर्थ की मदद करते हैं आम आदमी, जो जीएसटी के माध्यम से खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसमें से निकल के जाता है। तो वो जनता से ज्यादा पैसा ले रहे हैं और फिर वही जनता रोड पे चलती है तो फिर टोल से पैसे लेते हैं, ब्रिज पे चलती है तो टोल से पैसे लेते हैं। तो ये किस तरीके का भिनोमा है। तो बीजेपी ने अब जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश को करोड़ों की सौगात मिल रही है जो कि कांग्रेस को अच्छी नहीं लग रही। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस विकास विरोधी है, कोई दूसरा कर रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। 10,000 करोड़ की जब सौगातें मध्य प्रदेश को मिलेंगी तो जीतू पटवारी कैसे खुश होंगे? कांग्रेस की तो ये खीज कहें या कांग्रेस को अपने अंदर की आत्मग्लानी कहें कि कांग्रेस की सरकारों ने इस तरह के विकास कार्य क्यों नहीं किए। तो जो जीतू पटवारी जिस लॉजिक से पार्टी गई तेल लेने कहते हैं उसी तरीके से ये बयानबाजी करते हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्यशाली दिन है, मध्य प्रदेश के आर्थिक ग्रोथ का इंजन ये सड़कें बनेंगी और मध्य प्रदेश के रहवासियों के लिए ये सुगमता लाएगी।